वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छत श्री अकाल तखत साहिब ओह पवित्र स्थान जिथे पंथक मसलियां दे निबेड़े होते ने ते नाल ही सिख पंथ नूं सेध देण लई हुकमनामे जारी होते ने जो दुनिया विच वसदे सारे सिखां उत्ते लागू श्री अकाल तखत साहिब नूं सिखां दी सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। श्री अकाल तखत साहिब रूहानियत दे केंद्र श्री हरिमंदर साहिब दे सन्मुख सुशोभित है। सिख पंथ विच चार होर तखत साहिबान भी ने जो गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन नाल संबंधित ने। भावें कि सारे तखत सिख पंथ विच सत्कारयोग ने पर सब तो पुरातन श्री अकाल तखत साहिब नूं खास रुतबा हासिल है। श्री अकाल तखत साहिब सिखां दा पहला तखत है जिसकी सिरजना मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 1606 ईस्वी विच कीती। पहला इसका नाम अकाल बुंगा सी जो बाद में श्री अकाल तखत साहिब के नाम नाल प्रसिद्ध होया। अकाल तखत साहिब दो शब्दों का सुमेल है। अकाल भाव परमात्मा जिस उत्ते काल भाव समय का असर नहीं। तखत फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है शाही तखत ज राज सिंघासन। इस तरह अकाल तखत का भाव है ओह तखत जो सदा कायम रहन। दूजे शब्दों में तखत शब्द का अर्थ बैठन की चौंकी ज राज सिंघासन जिथे बैठ के राजा अपने राज के काम करते। गुरु हरगोबिंद साहिब वालों सिरजे श्री अकाल तखत साहिब की उसारी का कारज बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी ने किया। श्री हरगोबिंद साहिब जी ने इसे तखत तो दो तलवारा मेरी ते पीरी धारण कीतियां ते सिखां नूं शस्त्रधारी होण दा हुक्म जारी किया। इत्थों ही सिखां नूं चंगे शस्त्र घोड़े ते अपनियां जानां भेंट करन दा हुक्म जारी होया। गुरु हरगोबिंद साहिब दे किरतपुर साहिब जाण तों बाद अकाल तखत साहिब दा प्रबंध पिरथी चंद ते उसदे पोतरे हरी जी कोल 55 साल तक रहा। खालसे दे प्रगट होने तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री अकाल तखत साहिब दे प्रबंध लई भाई मनी सिंह नूं अमृतसर भेजा। बाबा बंदा सिंह बहादुर वेले सिख इस महान तखत तो प्रेरणा लैंदे रहे। सिख आपसी वैर भुला के खास करके दिवाली ते विसाखी मौके श्री अकाल तखत साहिब उत्ते इकट्ठे होंदे रहे। इत्थे ही सिख पंथ ने सरबत खालसे दे इकट्ठ करके गुरमते राही गंभीर पंथक मसलियां उत्ते कई अहम फैसले लए। जदों जदों भी मनुखी आजादी ते स्वै माण खतरे विच पए तां सच्चे धर्म दा जज्बा लै के उसकी राखी लई गुरु के सिखां ने सदा प्रेरणा अगवाई इत्थों प्राप्त की। खालसा जी के बोलबाले ते राज करोगे खालसा दे बोलियां दी गूंज भी इत्थों ही पैंदी है। समय दियां सरकारां इस आवाज़ तों हमेशा डरदियां ते तब इसे करके ही श्री अकाल तखत साहिब उत्ते कदे मुगलां ने ते कदे अफगाना ने ते कदे आजाद भारत की हकूमत ने हमले किए ते इस दी इमारत नूं कई बार ढह ढेरी किया जिस कारण इस नूं मुड़ उसारिया गया। श्री अकाल तखत साहिब की पवित्रता कायम रखने लई अणगिणत सिंघां ने शहीदियां प्राप्त कीतियां। दिसंबर 1675 विच भाई गुरबख्श सिंह ने 30 सिखां दी अगवाई विच अहमद शाह दुरानी तो अकाल बुंगे की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अहमद शाह वालों ढाई गई अकाल बुंगे की बुरजी ते इमारत महाराजा रणजीत सिंह के समय विच मुकम्मल हुई। हमलावरां की होंद हस्ती तो खत्म हो गई पर भगती शक्ति का केंद्र अस्थान श्री अकाल तखत साहिब हमेशा गुरसिखां लई प्रेरणा शक्ति ते उत्साह दिंदा रहेगा। अज भी श्री अकाल तखत साहिब उत्ते केसरी परचम झूलते हैं ते इत्थों जारी हर हुक्म नूं गुरसिख खिड़े मत्थे परवान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दर्शन की।